एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो एज़ टूडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मूड बोर्ड अभी आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही होंगी जो भी आपके कॉलेज में स्टडी हो रही होगी उसमें कुछ ना कुछ आपके फाइव सिक्स बोर्ड्स होते हैं जो कि बहुत मस्त होते हैं किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए कोई भी कलेक्शन है कोई भी गारमेंट है या कुछ भी है तो सबसे पहले उसके लिए आपको फाइव सिक्स बोर्ड्स बनाने पड़ते हैं जिसमें सबसे मेन और सबसे जो होता है ना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है मूड बोर्ड तो आज हम मूड बोर्ड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे क्या है मूड बोर्ड उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कैसे हम उसको शो कर सकते हैं तो मूड बोर्ड क्या है मूड बोर्ड एक कलेक्शन है जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो उसको आप एक पेन और पेपर पे सारा चीज़ रख दो मतलब आपके माइंड में क्या चला था क्या सोच के आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा वो जो जो भी चीज़ आपके दिमाग में चली वो आपको पेपर पे लगा देना है जैसे मेरे दिमाग में आया कि सॉफ़्टनेस मैं चाहती हूँ कि मेरा जो गारमेंट है वो सॉफ्ट हो ठीक है वो जो है बहुत पहनने पे बहुत ज़्यादा ऐसा ना लगे रफ ना लगे तो लोगों को पहनने में वो कम्फर्ट नहीं होगा ठीक है तो हम उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं फैदर बर्ड्स की फैदर क्या होती है बहुत सॉफ्ट होती है अगर हम बर्ड की फ़ैदर वहाँ पे लगाते हैं तो दैट मीन्स कि हम डिनोट करना चाहते हैं कि सॉफ्टनेस भी होगी अब हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट कुछ दिखाते हैं जो भी मूडबोर्ड्स हैं तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा क्या चीज़ होना मस्ट है क्या नहीं है आपको कुछ इमेजेस ऐसे कलेक्ट करनी होंगी उसके बाद यहाँ पे आपको कीवर्ड भी डालना होगा ये बस एक कलेक्शन है आपको कीवर्ड कि किस चीज़ पे आपका मूडबोर्ड है क्या चीज़ वो डिनोट करना चाहता है तो आपको वहाँ पे कीवर्ड ऐसे डालना होगा उसके बाद आपको जो कलर्स आप यूज़ करने वाले हैं अपने कलेक्शन में या गारमेंट्स में या आपके मूड में जो जो कलर्स हैं वो कलर आपको डिनोट करने पड़ेंगे इन कलर की भी कोडिंग होती है नंबर होता है वो नंबर भी डालना बहुत ज़रूरी होता है ये एक सैम्पल है बट आपको वो नंबर डालना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या कोड का नंबर आप जा रहे हैं अपने गारमेंट में यूज़ करने तो इस तरीके से आपको कोलाज बनाना होगा कलेक्शन बनाना होगा उसके बाद आप ये देखो ब्रश फ्लोरल है, फ़्लोरल पे है तो फ्लोरल में हम कई सारे फ्लोरल वाले गारमेंट्स दिखा सकते हैं क्या है ये आपका नाइनटीन ट्वेंटी का है तो ऑटम विंटर 1920 का ये कलेक्शन है तो इसमें क्या क्या चीज़ें दिखा सकते हैं फिर आप देखो ये इंटीरियर डिज़ाइन के लिए है बट मैं आपको मूड बोर्ड के लिए सिर्फ कलर दिखा रही हूँ कैसे कैसे कलर हम यूज़ करने वाले हैं अपने कलेक्शन में मान लीजिए कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है तो वो ऐसे कलर यूज़ करने वाला है फिर आपका एक नेचुरल अर्दिंग वाला जो आ, होता है ना कि कलर्स लाइक लाइट ग्रीन लाइट ब्राउन जो भी बहुत न्यूट्रल शेड हो बट नेचुरल वाले शेड्स हों वो आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से ठीक है तो इस तरीके से आपके मूड बोर्ड्स बनेंगे मूड बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कीवर्ड उसके बाद प्ले करता है कि आपको कौन सा कलर का कोड यूज़ करना है दूसरी चीज़ ये अब आप सोचेंगे कि जिसको जो कलर कोड है ना वो पैंटॉन शेड होता है यहाँ पे आपको दिख भी रहा है जैसे आप ये सोचेंगे कि जैसे बहुत सारा सारा चीज़ मैंने बना लिया अब इसमें फ़ैदर का क्या काम फैदर हम क्यों लगाएं आप सोचेंगे वही चीज़ उसमें यूज़ करें जो कि हम अपने गारमेंट में यूज़ करने वाले हैं तो नहीं ऐसा नहीं होता है वो आपका कलेक्शन नहीं वो आपका मूड है कि आपका मूड क्या चाहता है आपके गारमेंट से यानी आपके मूड की मूड की क्या एक्सपेक्टेशन है आपके कलेक्शन से ठीक है जो एक्सपेक्टेशन है वही एक्सपेक्टेशन आपको पेपर पे करना है उसके लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो कॉटन यूज़ करो तो आप फेदर यूज़ करो कोई फ्रूट्स है वो डिनोट करो जैसे कोई फ्रूट है उसका कलर ऑफ उसका शेड्स जो कलर का शेड है वो आप अपने गारमेंट में लाना चाहते हो तो वो फ्रूट्स आप शेयर कर दो या फिर कुछ भी ऐसा है तो आप कर सकते होप सो यू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच